प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भारतीय प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का क्रम पढ़ेंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल 15 अगस्त सन 1947 से अब तक हम कैसे याद करेंगे, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको देखेंगे। देखिए, अगर हमको इस तरह से अगर यही इतना याद रहे कि जलई मोचई रविचंद अदई अमन, अगर इतना हमें याद रहे तो हम सभी प्रधानमंत्री के नाम को क्रम से याद कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए जैसे देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, जैसे चरण सिंह चौधरी। इसी तरह से हम सबका नाम याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए, च से हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे ई से, ये तो ई से इंदिरा गांधी, र से राजीव गांधी, वी विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्हें वीपी सिंह कहा जाता है, च से चंद्रशेखर सिंह, न से नरसिम्हा राव। इसके बाद देखिए, अब आ से क्या होगा, तो अ दे ई अ म न। अब आ से देखिए, अ से अटल बिहारी वाजपेयी, द से HD देवगौड़ा जिन्हें देवगौड़ा कहा जाता, इंद्र कुमार गुजराल, अ से अटल बिहारी वाजपेयी, म से मनमोहन सिंह और न से नरेंद्र मोदी। इसके बाद दोस्तों हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त सन 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक था। इनका कार्यकाल सबसे अधिक था। इन्होंने 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे और इन्होंने देश के प्रति अपनी सारी सहानुभूतियों की और इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी लिखा। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत माँ के सच्चे लाल जिन्हें कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1966 ईस्वी में हुई थी। इनका कार्यकाल ये प्रधानमंत्री के पद पर 9 जून सन 1964 ईस्वी से 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी तक कार्यरत थे और इस तरह से ये 1 वर्ष 216 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे एक कार्यवाहक मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किए थे जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 1898 ईस्वी में और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। ये प्रधानमंत्री के पद पर 27 मई से 9 जून 1964 ईस्वी से और 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 में 13 13 दिन, मैंने कुल मिला करके 26 दिन के प्रधानमंत्री थे। इनके बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1984 ईस्वी में हो गई। ये 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य की, एक बार 1966 से 1977 तक और एक बार 1980 से लेकर के 1984 तक। इस तरह से इनका कार्यकाल 11 वर्ष का था, 11 वर्ष से अधिक था। इसके बाद 6वें नंबर पर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री जो थे सबसे कम उम्र वाले थे राजीव गांधी,
राजीव गांधी का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अक्टूबर 31, 1984 ईस्वी से दिसंबर 1, 1989 तक कार्यरत थे। इसके बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जिनका जीवन काल 1931 से लेकर के 2008 तक था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर सन 1989 से 10 नवंबर सन 1990 तक था। इसके बाद आठवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर 1927 में जन्म हुआ इनका, 2007 में इनकी मृत्यु हो गई और ये प्रधानमंत्री के रूप में 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक कार्य किए। इस तरह से इनका कार्यकाल 223 दिन का था। इसके बाद नरसिम्हा राव भारत के नवें प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से था। इसके बाद दसवें प्रधानमंत्री थे, जो 6 साल 64 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए और 2 बारे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2018 में हुई। एक बार केवल 13 दिन, मई 1996 से 16 मई से 1 जून तक किए थे। इसके बाद फिर अक्टूबर 13, 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 10वें प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा 11वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का था। इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था और ये प्रधानमंत्री के पद पर 324 दिन तक कार्यरत रहे और इस तरह से इन्होंने अपने कार्य के बाद इनका जीवन काल। इसके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल का जीवन काल 1919 से 2012 तक था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल से था। इसके बाद 13वें प्रधानमंत्री, जो अर्थशास्त्री भी हैं और पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था और ये प्रधानमंत्री के पद पर 10 वर्ष 4 दिन तक कार्यरत थे और मई 2004 से 2014 तक कार्य किए थे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता हैं और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इसके बाद 14वें नंबर पर नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म सन 1950 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए थे। 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ इन्होंने वाराणसी में 2 बारे सांसद के रूप में 2014 से अब तक लगातार जनता पार्टी के सांसद भी हैं और इस तरह से इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और इन्होंने 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत बहुत सारे कार्यों को करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इनका प्रधानमंत्रियों को हमने आपको बताया कि हाँ, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।